सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं अमीषा पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी ऑनलाइन कक्षा का तीसरा दिन है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अ आ इ उ री, यहां तक हमने पढ़ लिया है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अ आ इ उ री। तो यहां चलिए फिर एक कविता के माध्यम से एक बार और अभ्यास कर लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, पढ़ना लिखना अपना काम। ई से इमली, ई से इख, अच्छी सच्ची बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, पहले बड़ों की बातें सुन। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और री खासकर आप अच्छे से ध्यान देंगे। री का क्यों? क्योंकि री सबसे कठिन है। अभी तक आपने जो सीखा उसमें सबसे कठिन क्या है? री। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या। ए अए ओ औ। सबसे पहले ए, एक बहुत आसान सा है। ए अए देखिए एक जैसा है, ओ औ लगभग एक जैसा है। सिर्फ थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको ध्यान देना है। जैसे अ आ बिल्कुल एक जैसा, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ई ई सिर्फ क्या है, ऊपर में हम ऐसे सी की तरह लगाते हैं, वो एक अलग से है। इससे उ में क्या करते हैं, उ में सिर्फ घुमा दिए एक उ में, फिर उसका पूंछ निकाल देते हैं। तो ऐसे यहां पर फिर एक घुमा दिए, वहां एक और घुमा दिए। इस तरीके से सिर्फ थोड़ा सा जो अंतर है उसे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ए देखते हैं। ए कैसे करना है, ए की बनावट देखिए, एक दो तीन, आसान सा है। एक दो तीन। ए से कौन कौन से शब्द आते हैं चलिए देखते हैं। ए से एक तारा, ए से एरी, ए से एल्बम। तो एक तारा क्या है? एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है, एक तारा। एरी, एरी का चित्र आपने देखा है, चित्र में है, दिखाया गया है, पैर के हिस्से में जो नीचे हिस्सा रहता है उसे क्या कहते हैं? एरी। और ए से एल्बम। एल्बम क्या होता है? जिसमें हम चित्र वगैरह इकट्ठा करके सजा कर रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एल्बम। तो ए से एक तारा, ए से एरी, ए से एल्बम। तो हमने बहुत सारे शब्द सीख लिए। अब चलिए अय देखते हैं। अय एक ही तरह ही है, सिर्फ ऊपर ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो एक दो तीन चार, समझ में आया? एक दो तीन चार। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? ऐसे ऐनक। ऐनक क्या होता है? चश्मा जो हम पहनते हैं, आंखों पर पहनते हैं। ठीक है, ऐनक। ऐसे ऐरावत। ऐरावत क्या है? हाथी का नाम है। किसके, किस हाथी का? इंद्र के हाथी का। इंद्र के हाथी को क्या कहते हैं, क्या पुकारते हैं? ऐरावत। और ऐसे एटलस। एटलस क्या है? भूगोल में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एटलस। इससे हमें मानचित्र मैप के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे ऐनक, ऐसे एरावत, ऐसे एटलस। यहां तक समझ गए? अब देखते हैं ओ। ओ में क्या है? सिर्फ आ की तरह हम लिखेंगे और यहां एक अलग से लगा देंगे। तो पहले घुमाएंगे, एक दो आधा गोल, एक दो तीन चार पांच छ, है ना आसान? फिर से एक दो तीन चार पांच छ, बस हम आ दिमाग में रखेंगे, आ लिखकर ऊपर यू लगा देना है। ठीक है, तो ओ से कौन कौन से शब्द हैं? ओ से ओखली। ओखली अपने चित्र में भी देखा, जिसमें क्या करते हैं, कुछ कूटा जाता है, है ना? पहले जमाने में बड़ी बड़ी ओखली भी होती थी जिसमें लोग अनाज कूटते थे, धान कूटते थे, ये सब काम करते थे। अभी आप बाजार में छोटी छोटी ओखली भी देखते हैं इस साइज की, तो उसमें क्या करते हैं लोग, अदरक कुछ कूटने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत तरह के काम में आते हैं। ठीक है, तो ओ से ओखली, ओ से ओक, ओ से ओझा। ओझा क्या होता है? जो झाड़ फूक करता है उसे ओझा कहते हैं, है ना? तो ओ से ओक। ओक क्या है? एक प्रकार का पौधा है। ओझा
ओझा किसे कहते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ओ से ओखली, ओ से ओक, ओ से ओझा। तो हमने इससे ओ से बहुत सारे शब्द सीख लिए। अब हम औ से देखते हैं। औ से औ का बनावट देखिए कैसे, आ की तरह बनाएंगे, आ की तरह बनाकर फिर यहां पर इस प्रकार से औ लगा देंगे, दो लगा लिए, फिर शिरोरेखा। ठीक है, पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, समझ में आया? एक दो तीन चार पांच छ सात, औ हो गया हमारा। औ से क्या है, औ से औरत, औरत अर्थात स्त्री, लेडी को क्या कहते हैं, औरत। औ से औरत, औ से औजार, औजार क्या होता है, वो क्या करते हैं हम, हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या कुछ क्या करते हैं, जैसे हथियार नहीं कहेंगे उसे, छोटा सा चीज कहेंगे, छोटा जैसे मतलब किसी चीज धार लगाने के लिए काम में आता है, घास काटने के काम में आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, औजार। औ से औषधि, औषधि क्या है, औषधि जो जड़ी बूटी से बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, औषधि, एक प्रकार की दवा होती है जो प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल की जाती है, नेचुरल तरीके से जो बनाई जाती है उस दवा को क्या कहते हैं, औषधि। तो औ से औरत, औ से औजार, औ से औषधि, यहां तक समझ में आया? तो अब हम अंग और अह देखेंगे। तो दोनों बिल्कुल आसान है, इसमें क्या करना है, अ की तरह बनाकर ऊपर एक शून्य लगा देना है, इसे क्या कहते हैं, अंग। ठीक है, तो कैसे, एक दो तीन चार पांच, है ना आसान। तो अंग से क्या होता है, अंग से अंगूर, जो आप खाते हैं फल है, देखिए ऊपर अनुस्वार लग गया वैसे ही हो गया अंग, तो अंगूर। अंगूठी, अंगूठी मतलब जो हम उंगली में पहनते हैं, फिंगर में, तो उसे क्या कहते हैं, रिंग, रिंग को क्या कहते हैं, अंगूठी। तो अंगूठी, अंगरक्षक, अंगरक्षक किसे कहते हैं, बॉडीगार्ड को, अंगरक्षक किसे कहते हैं, बॉडीगार्ड को। फिर से देखते हैं, अंग से अंगूर, अंगूठी, अंगरक्षक, यहां तक समझ में आया? तो अब ये देखिए अह, अह का, अह से क्या है, अह से खाली, अह से कुछ भी नहीं होता है। तो अह का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये दो विसर्ग के रूप में, ये दो विसर्ग को लेकर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, और इसे विसर्ग, तो विसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे, जैसे प्रातः, अतः, मुख्यतः, जितः का लगता है तो वहां पर अह का इस्तेमाल हो जाता है, अह 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 जो इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम प्रातः अह आया ना, तो उसका इस्तेमाल विसर्ग के रूप में करते हैं। जो अभी आपको नहीं सीखना है, आप बाद में थोड़े बड़े होकर सीखेंगे कुछ दिन बाद, तो अभी के सिलेबस में ये आपको नहीं जानना है, सिर्फ अ से खाली, अ से क्या है, कुछ भी नहीं। और आपको क्रम याद रखना है, कैसे, अ के बाद आ, आ के बाद ई, ई के बाद ई, इस तरीके से आपको पूरा क्रम के साथ रखना है, याद करना है। तो इसके लिए चलिए हम अब एक किड्स वन पर एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसकी सहायता से आप आ आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम एक वीडियो देख लेते हैं। स्वर सीख लिया, स्वर के बाद अब हम व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है, क, क की बनावट देख रहे हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इस प्रकार घुमाएंगे, फिर इसे नीचे ले आएंगे, क क, क से कबूतर, क से कमल, क से कलम, क से कटहल, क से कलश। तो क से हमें इतने सारे शब्द मिल गए, कौन कौन से, क से कबूतर, क से कमल, क से कलम, कलम जिसे हम लिखते हैं, कमल अर्थात जो फूल है, क से कटहल, क से कलश। कलश का मतलब क्या है, कलश का मतलब जो छोटा सा क्लश कलश होता है जिसमें पानी रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं ख, ख को क्या करना है, इस प्रकार से घुमाकर फिर यहां जैसे आधा क बनाते थे वैसे बनाकर फिर ऊपर शिरा रेखा,
ख ख ख को ख से क्या होता है खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खटमल, ख से खिलौना, ख से खाना। इतने सारे शब्द हमें मिल गए। अब आगे देखते हैं ग। ग बिल्कुल आसान है, यूं घुमाकर फिर यहां नीचे घुमा देना है, सीधे फिर यूं घुमाना है और एक सीधी लाइन, फिर शिरा रेखा। ग से गमला, ग से गाजर, ग से गधा, ग से गज, ग से गणेश। ग से गमला जिसमें हम फूल लगाते हैं, गाजर जो हम खाते हैं कैरेट, और गधा जानते हैं ठीक है तो, और गज, गज का मतलब भी जानवर, गधा भी जानवर है, गज भी जानवर है, और गणेश, गणेश का अर्थ क्या होगा, वो शिव जी के पुत्र हैं या भगवान है, देवता हैं। अब घ देखते हैं। घ से घड़ी, घ से घर, घ से घरा, घ से घोड़ा, घ से घड़ियाल, घ से घड़ियाल, यहां तक हमने सीख लिया। अब अंग से खाली, अंग से कुछ भी नहीं है, तो अंग का इस्तेमाल हम अलग ढंग से करते हैं, जैसे अह से खाली, अह से कुछ नहीं, वैसे अंग से भी खाली, अंग से भी कुछ भी नहीं है। तो क ख ग घ अंग हमने यहां तक अच्छे से सीख लिया है। तो इसके बाद अब हम अगले दिन सीखेंगे, फिर से व्यंजन सीखेंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपको जो वर्कशीट दी जाएगी वो उसे आप पूरा कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।